सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस की जिस चिट्ठी ने सबके होश उड़ा दिए, उस पर अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तगड़ा हमला बोला है। जी हाँ, उस चिट्ठी में दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश में पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती होने वाली है, वो भी सब इंस्पेक्टर। अब जैसे ही ये चिट्ठी वायरल हुई, सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने पुलिस व्यवस्था के प्रति लापरवाही भरा नजरिया अपना रखा है, जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक के बाद एक कार्यवाहक डीजीपी के बाद अब कुछ पुलिस सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर विचार किया जा रहा है। ठेके पर पुलिस होगी तो ना ही उसकी कोई जवाबदेही होगी, ना ही गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं को बाहर जाने से रोका जा सकेगा। भाजपा सरकार जवाब दे कि जब पुलिस का अपना भर्ती बोर्ड है तो बाकायदा सीधे स्थायी नियुक्ति से सरकार भाग क्यों रही है। पुलिस सेवा में भर्ती के इच्छुक युवाओं की ये आशंका है कि इसके पीछे आउटसोर्सिंग का माध्यम बनने वाली कंपनियों से काम के बदले पैसा लेने की योजना हो सकती है, क्योंकि सरकारी विभाग से तो इस तरह पिछले दरवाजे से पैसा वसूली संभव नहीं है। अपने आरोप के आधार के रूप में वो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली प्राइवेट कंपनी का उदाहरण दे रहे हैं, जिसे भाजपा ने नियम विरुद्ध जाते हुए वैक्सीन बनाने वाली एक सरकारी कंपनी के होते हुए भी वैक्सीन बनाने का ठेका दिया और उससे चंदा वसूली की। पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से आक्रोशित युवाओं में इस तरह की पुलिस सेवा की आउटसोर्सिंग की खबर से और भी उबाल आ गया है। आउटसोर्सिंग का ये विचार तत्काल त्यागा जाए और उत्तर प्रदेश के युवाओं को नियमित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सीधी नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी दी जाए। भाजपा कहीं किसी दिन सरकार ही आउटसोर्स न कर दे। दरअसल सब इंस्पेक्टर के स्तर पर आउटसोर्सिंग से भर्तियों पर राय के लिए एडीजी स्थापना की ओर से सभी जिलों के पुलिस कमिश्नर और अधीक्षकों को पत्र भेजा गया था। पत्र के माध्यम से सभी से 17 जून तक अपनी राय भेजने को कहा गया था। इस पत्र में कहा गया था कि सहायक उप निरीक्षक लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लेखा, सहायक उप निरीक्षक गोपनीय के पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा सकती है या नहीं। मगर इस पत्र के वायरल होते ही हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल पत्र शेयर कर लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि अब यूपी पुलिस में भी भारतीय सेना की अग्निवीर योजना के तर्ज पर भर्ती होगी, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन इस मामले में सफाई दी। यूपी पुलिस ने सफाई देते हुए कहा, सोशल मीडिया में पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग के संबंध में एक पत्र प्रसारित हो रहा है, के संबंध में अवगत कराना है कि यह पत्र त्रुटिवश जारी हो गया है। पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पूर्व से चल रही है, इसी के संबंध में पत्र जारी किया जाना था, जो कि त्रुटिवश मिनिस्टीरियल स्टाफ के लिए जारी हो गया है। ऐसा कोई प्रस्ताव पुलिस विभाग और शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। यह पत्र गलत जारी हो गया है, जिसे निरस्त कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।